अरे भैया आना सुनिए, प्रधाने की सीट क्लियर हो गई। हाँ भैया सुनी तो हनु है, सीट क्लियर रहेगी पर जी ना मालूम कौन सी सीट क्लियर हुई है। अरे भैया सामान्य सीट क्लियर है ये। हैं तो थारा कोको है रहा फिर है तो रे लोग रहे पर मान ना कोको है रहे है तो भैया तुम वोट कल को डालोगे। हाँ तो भैया गोलू है वोट डालेंगे चाहते बरादरी को आदमी। अरे चूतिया भूजे तो ना है रहा प्रधान ढूंढो है जीजा ढूंढना ढूंढो तो जाते बरादरी देख रहे हो। तुम बताओ जावर किने वोट देना है। भैया हमारे हिसाब से तो इस बार कई नए प्रधानों को चुनाव करना चाहिए जाते कि हमारे गांव का विकास हो गए। सही कह रहे हैं भैया सही कह रहे हैं भैया। राम 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 राम। अरे तू नमस्ते तो ऐसे कर रहे हो जैसे प्रधान ही प्रधान में खड़ा है रहो है। मैं कैसे पता भैया जा रहो खड़ा यार अंदर तू ही वोट दे के अपने जो हमारा गाँव है जाको तुलना तुलना करवाना हमको साले छोटा धनंद। अरे भैया हमने ये काम बहुत बड़े छोड़ दे अब उस जेल तो चूटी का है तो हम सोच रहे बताएंगे लड़ने और गांव का विकास करेंगे हमें और ज्यादातर हमें ये वोट दी हमें भी यही बनेंगे भैया यहाँ पर। चलो यार छोटा यहाँ तो सारे भाई लाइन दो वोट यहाँ से तुमने मुझे भेजी दी गई ना और तुम देखो जाओ मैं बधान में लड़ूंगा और ऐसा जीत गाऊंगा तुम्हें देखो तुम्हें गम तो भाई लेकर आऊंगा जीतने के बाद। सभी भाई बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोग हमारे लिए हजारों की भीड़ में इकट्ठे हुए तो आप सभी हर साल वोट देके गोलू जी को प्रधान बना देते हो तो इस बार उनके सामने खड़े होने की हिम्मत की है रोज जी ने तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। आइए आइए रोज जी स्टेज पे बता दीजिए। आइए रोहित जी पब्लिक के बारे में दो शब्द बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं दो साल से जेल में था और अभी छूट के आ रहा हूँ हाल ही में तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस बार गुरु जी के सामने इलेक्शन में खड़ा हूँ और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट दे के विजयी बनाए तो अपने आप छोटे भाई को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो रोहित जी आप गोलू जी ने यहाँ पर लैटरिंग बनवा दी सड़क बनवा दी आप किस मुद्दे पे खड़े हो रहे हो। लैटरिंग मैं दो दिन में तोड़वा दूंगा और ये सड़के दो दिन में खुदवा दूंगा आप टेंशन मत लीजिए बात खत्म। चप्पल लाइए। देखो चीचपाल जी मुझे नहीं पता इस बार मुझे तुम्हारे पूरे परिवार का वोट चाहिए। अरे कौन रोहित। अरे बोल रोहित दो साल से जेल में बंद था। क्या वो छोटा जी पिलान जी क्या बोला वो छोटा जो कह रहा था गोलू जी ने जो लैटरिन बनाई दो मिनट में तोड़वा दूंगा और सड़के तो दो दिन में खुदवा दूंगा। उस मादर लोड की इतनी हिम्मत मेरी सड़क खुदवाएगा मेरी लैटरिन खुदवाएगा। देखो बोलू जी मुझे नहीं पता मुझे इस बार इलेक्शन हर हालत में जीतना है चाहे तुम दारू बटवाओ चाहे रेसिडेंट को बुलवाओ चाहे कुछ भी करो मुझे नहीं पता साम दाम दंड वेट सब लगा दो मुझे इस बार इलेक्शन जीतना है। गोलू ना कभी हारा था ना कभी हारा है ना कभी हारेगा। और लौंडे कैसे हो ठीक है भैया ठीक है। अरे बालों को तुम्हें पता हो छोटा इलेक्शन लड़ रहा है तो अबे तुम्हें बाकी बातों में आना है वो सवर्ण भटका रहा है तो तुम्हें बस गोलू पिलाजी को वोट देना है जी लो बालों को क्वार्टर के लिए पैसा लेकिन वोट गोलू प्रधान जी देना है। अच्छा तो ऐसा खरीदे जा रहा वोट ये बात मुझे रोहित जी को बता के आनी पड़ेगी। चलो प्रधान जी के बारे को चला रहे हो जाए हमारा प्रधान जिंदाबाद हमारा प्रधान जिंदाबाद मेरी बुग्गी मेरा घोड़ा हमारा प्रधान अटुक लोड़ा। तुम जी बता तुम्हें जेल कैसे भाई तो छोटे में 14 साल का था तो भाई तुम भी 14 साल के थे। मेरी पहले पूरी बात सुन ले तो बेटे मैं 14 साल का था फिर भी भाई तुम कितने लंबे थे या तो बता ही सको तुम कुत्ते का चूतर। अब तूने बोला ना तेरी धैया उड़ा दूंगा ठीक है देख तो मैं 14 साल का था तुम्हें कौन सा महीना चल रहा था ये तो बता ही सको तुम फरवरी
चल रहा था। हट, मैं सुना रहा हूँ, चल बोट मांगने चल रही है। बोला बोला उससे बोट मांगेंगे। हाँ भाई, किसको वोट डाल लियो इस बार? भैया हम तो जावा वोट डालना, भैया गोलू है। गोलू को डालेगा वोट? गोलू को डालेगा? साले मुझे को वोट डालना है, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। आई बात समझे? अरे साले नीमू को ये डाला, खोपचे में डाल दूंगा, खोपचे में जनजाति करी आए। साले गोलू को देगा वोट, गोलू को देगा वोट, गोलू को देगा साले वोट, गोलू का चलवा देगा, गोलू को देगा, गोलू को देगा वोट। मुझे भी वोट देना है, मुझे मुझे साले ये पूरा पार दूंगा, मुझे वोट चाहिए, मुझे जीतना है। आई बात समझ में? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ इस बेचारे को, क्यों मार रहे हो? साला गोलू को वोट दे रहा है, मुझे नहीं देगा। मैं पूछा इससे कुछ को वोट डालेगा तो बोलता है गोलू को दूंगा वोट, गोलू को देगा। अरे इसको छोड़ो, मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ। अरे भैया को तो जे आंधी के तरह आज तूफान तरह चला होगा। हाँ भाई बता अपनी क्या बात थी पर्सनल। बोलू ना तो पैसा बटवा बटवाएगा, वोट खरीद रहा होगा। मेरे सामने तीन लोगों ने पैसा देगा, वोट खरीदे मान। पैसा मैंने तुम्हें दे ही दें, ध्यान रखती हूँ गोलू जी को वोट देना। एक बोट, एक बोट खरीद रहा, पकड़ पकड़ पकड़। अरे यार ऐसा तो हम इलेक्शन आ जाएंगे। अरे अरे प्रधान जी छोड़ो छोड़ो, ऐसा तो हम इलेक्शन आ जाएंगे। अरे भैया सॉरी सॉरी, हमें गलती यही कम लग गई तो ना है। बैंक लोड़ो, तुम्हें किसी वोट दूंगा, गोलू को दूंगा। अरे प्रधान जी ऐसे वोट नहीं मांगते, प्यार से वोट मांगते, प्यार से। अच्छा प्यार से, ठीक है प्यार से वोट मांगूंगा। मालूम है ना प्रधान जी, प्यार से वोट मांगने। हाँ प्यार से वोट मांगूंगा मैं तो, प्यार से। आइए चल वोट मांगते हैं। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। ऑफ ऑफ आड़ू हो, कैसे चिल्ला रहे हो? तुम्हारी माँ बहनों तो संस्कार ने सिखाए, बिना कंदी खटखटा अंदर घुसे चले आ रहे हो। हम वोट मांगने आए हैं, वोट हैं, हम कोई वोट देना है। सर सर दस भाड़ू तुझे लौट देंगे साले, अभी जा रहे ना यहाँ से। हाँ भाड़ू हो, तुम्हें वोट देंगे हम हैं, यहाँ पे वोट मांगने आओ, जब लूटने आओ यहाँ पे। अभी जाना रहेगा यहाँ से, आ रहे हैं आगे दिखा रहे। अरे प्रधान जी क्या कर रहे थे तुम? अरे तूने तो बोला था प्यार से वोट मांगना था, प्यार से वोट मांग रहा था। अरे प्रधान जी यहाँ तुमने बात बिगाड़ ली, वो कैसे जीतेंगे इलेक्शन? सही कह रहे हो यार, तुमने बात बिगाड़ ली, वो कैसे जीतेंगे यार? अब तो कछु सोचना पड़े हो। सोचो यार, कछु कछु सोचो यार, इसको वोट जीते यार, क्या करे प्रधान जी? कुछ सूझा आपको? क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो मुझे एक रास्ता दिख रहा है, तुम चाहे पैसा बटवाओ, चाहे दारू बटवाओ, चाहे कुछ भी बटवाओ, चाहे मिशन बटवाओ, जहाँ फिर फेक वोट करवाओ, पर मुझे इस बार इलेक्शन जीतना है तो जीतना है, ठीक है? मुझे को इस इलेक्शन जीतवाना है तुझको। अब तो प्रधान जी आप ही जीतोगे इलेक्शन, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ अपने घर। उल्लू जी को जिताना है फेक वोट से, रोहित जी को हराना है। चलो अब किंग प्रेशर की व्यवस्था करते हैं। तो बहनों भाइयों, पहला डब्बा खुल चुका है, रोहित भाई 30 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बहनों भाइयों, दूसरा डब्बा भी खुल चुका है, इसमें भी रोहित भाई 30 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आखिरी डब्बा खुल चुका है, इसमें जीते हमारे गोलू जी। क्या बोल रहे हो तुम? कौन घुरे तेरे क्या बोल रहे? फेल बोल रहे हो? कौन घुरे तेरे मार्च? हाँ, बाज़ रहे हैं मोटे वैसे ना? हाँ, बुलाते हैं सारे।